गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, इम्यूनोलॉजी में ये टर्म समझना सबसे फंडामेंटल चीज है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, हाफ ऑफ द इम्यूनोलॉजी विल नेवर बी क्लियर टू यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स से हमारे पास एक एंटीजन है, ठीक है, ये एक एंटीजन है और इस एंटीजन का नाम है एक्स। सो एंटीजन इज एक्स, और कहां से आया है, किस जगह से आया है, दिस इज अ बैक्टीरियल एंटीजन। कहां से आया है, इसका ओरिजिन है बैक्टीरिया। मैंने इस एंटीजन को लिया और इंजेक्ट किया एक माइस के अंदर, एक चूहे के अंदर, एक माउस के अंदर इसको इंजेक्ट किया मैंने। सो एक माउस के अंदर मैंने इसको इंजेक्ट किया, यू कैन सी हियर इंजेक्शन ऑल्सो, गुड इनफ। तो मैंने एक चूहे के अंदर इस एंटीजन को एक्स किया, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? जाहिर सी बात है, देयर इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ एंटी एक्स एंटीबॉडीज। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एंटी एक्स एंटीबॉडीज, एंड ये जो रिस्पॉन्स है, जहां पे ये बैक्टीरियल एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा है माउस, दिस इज नोन एज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और हमेशा प्राइमरी जो होता है, जब भी आप पहली बार किसी एंटीजन को देखते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि ये एंटीजन इस माइस ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। ये पहली बार इंजेक्ट हुआ, पहली बार उसकी बॉडी में आया और ये पहली बार रिस्पांस हुआ। क्योंकि ये पहली बार हुआ तो इसको क्या बोला गया, प्राइमरी। अब मान लो सेम ही माइस है, दोबारा इस माइस को लेते हैं, लेट्स से टाइम पीरियड इसको रिवॉल्व कर देते हैं, लेट्स से आफ्टर 2-3 मंथ्स, 2 या 3 महीने बाद सेम माइस को लिया गया और उसके अंदर फिर से यही एंटीजन एक्स डाला गया। तो अब की बार जो रिस्पांस होगा, दैट एंटीबॉडी रिस्पांस विल बी हैविंग हायर टाइटर्स, एंटीबॉडी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी हायर होगी, बहुत तेज होगा और बहुत स्ट्रांग होगा। तो इसी वजह से हम ये जो रिस्पांस होगा इसकी बार जो बोलेंगे, दूसरी बार जो रिस्पॉन्स होगा उसे बोलेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, IR। सो ये हो गया इसका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। बट रिमेंबर, अगर हम एक दूसरा कोई एंटीजन लेते हैं वाई, और इस एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं, बशर्ते कि वाई उसने पहले कभी नहीं देखा, तो वाई के लिए इस माइस में जो रिस्पांस होगा वो अगेन प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। ओके, सो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं डेज, दिस इज टाइम इन डेज, एंड ऑन वाई एक्सिस यू हैव एंटीबॉडी टाइटर्स। Titer is the negative log of antibody concentration, or this is you for the sake of understanding आप समझ सकते हो, antibody titers basically correspond to your antibody concentration. Good enough. तो हमने इस point पे X को inject किया mice में, ठीक है, इसको zero मान लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम देखते हैं कितने दिनों में आपका antibody बनना start होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब हम देखेंगे, सो अराउंड 10 डेज के अराउंड यहां पे एंटीबॉडी पीक होगा यहां पे। सो देयर विल बी अ पीक ऑफ, और ये जो रिस्पांस है, दिस इज प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, प्राइमरी, क्योंकि पहली बार एक्स इंजेक्ट हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से कुछ टाइम बाद, लेट्स से वी टेक अनदर टाइम एंड अगेन जीरो, लेट्स से 2-3 महीने बाद, नॉट इमीडिएटली, वी अगेन इंजेक्ट द एंटीजन एक्स इन टू द सेम माइस, वेरी इंपॉर्टेंट, उसी माइस में हम एक्स इंजेक्ट कर रहे हैं आफ्टर लेट्स से 2-3 मंथ्स। सो अब जो रिस्पांस होगा, नाउ व्हाट द रिस्पांस व्हिच इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, और हम देखेंगे कि 6 डेज के अंदर अंदर हो जाता है। सो प्राइमरी का जो टाइम है, सो प्राइमरी टेक्स अराउंड, लेट्स राइट डाउन हियर, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इट टेक्स अराउंड 10 डेज टू पीक, वेयर एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इट पीक्स इन 3-5 डेज। सो अब हम क्या चीजें देख सकते हैं इसमें, पहली बात तो प्राइमरी है और यह है सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। सो प्राइमरी जो है वो काफी स्लो है, वेयर एज सेकेंडरी इज वेरी फास्ट, पहली बात। दूसरी बात,
प्राइमरी काफी कम होता है, सेकेंडरी काफी हायर होता है और सेकेंडरी स्ट्रॉन्गर भी होता है। तो जो आपके ओलंपिक्स के तीन मोटोज हैं, द थ्री मोटोज ऑफ द ओलंपिक्स, सिटियस, एल्टियस एंड फॉर्चियस। सिटियस मीन्स स्विफ्टर, सो दिस इज स्विफ्टर, सेकेंडरी इज मोर स्विफ्टर। एल्टियस मीन्स हायर, दिस इज मोर हायर। You have Fortius. Fortius means more stronger. So this is more stronger. So all three are true here. Citius, Altius and Fortius. So this is the way. ये एक small mnemonic है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं. Citius, Altius and Fortius. चलिए, अब जरा हम एक बार vis-a-vis दोनों को साथ में रख के उनके differences एक बार board पे pen down करते हैं. So इनके differences I think you should be able to pen down yourself. But एक बार फटाफट कर लेते हैं. This is slower. As compared to secondary, takes around 10 days to peak. This is faster, swifter, whatever you want to say, 3 to 5 days to peak. Second, primary immune response is mainly due to your naive B cells. So this is mainly due to the naive B cells. So naive B cells are the main cells or lymphocytes which are involved here, whereas secondary, I told you, it is mainly due to your memory B cells. This is due to your memory B cells. ठीक है, तीसरा very important differences. Primary जो immune response होता है, the primary immune response is very it's mainly due to the antibody which is formed here, because naive B cells है, तो antibody कौन सी होगी? IgM. IgM is the main antibody and here the antibody is IgG, very important. और क्योंकि IgM है तो इसलिए ये बात भी true है, less affinity, इसकी affinity less होती है antibody की, so आपके immune response की भी less affinity होगी and this has got higher affinity. किसके लिए less और high affinity? For the antigen. And fifth and last difference which is very important, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, दैट इज योर, इट इज लेस स्ट्रॉन्गर, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, और इसको आप लिख सकते हो योर एंटीबॉडी टाइटर्स आर मोर, वेयर एज द एंटीबॉडी टाइटर्स आर लेस हियर, ये आप इसको लिख सकते हो. सो आई थिंक दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड राइट अस बैक एट Genesis Academy Delhi @gmail.com. Thank you.